अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, समाअत जो है वो मुकर्रर हो चुकी है आज दोपहर 2 बजे, मजीद अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पीकर पंजाब असेंबली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की दरखास्तों पर और इस अहम मुकदमे की समाअत अब से कुछ देर के बाद दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। और इसके लिए जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखेल समेत जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। ये 5 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है और इस बेंच ने अब से कुछ देर के बाद इस केस की समाअत करनी है, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की जो तारीख में तब्दीली की गई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुलतवी किए गए इंतखाबात 30 अप्रैल को होने वाले उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था और अब इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसमें दरख्वास्त गुजार है उनके वकला जिसमें बैरिस्टर अली जफर और गौहर अली खान शामिल हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्हें 2 बजे तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच अब से कुछ देर के बाद इस अहम केस की समाअत करेगा और इस हवाले से फैसला होगा कि फरीकेन को नोटिस जारी करने हैं या नहीं करने। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच अब से कुछ देर के बाद इस अहम मुकदमे की समाअत करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर और इसके अलावा स्पीकर पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी और इसमें मौकफ इख्तियार किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन और तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन वो ये आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को अपने हुक्म में ये कहा था कि हर सूरत 90 रोज के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की भी इलेक्शन कमीशन और जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं वो खिलाफवर्जी कर रही हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो 90 रोज के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाए। अब इसी मकसद के लिए इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया है और इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदयाल इस बेंच की सरबराही करेंगे और 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो अब से कुछ देर के बाद इस अहम केस की समाअत करने जा रहा है और इस अहम केस की समाअत के बाद फैसला होगा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ ही रहेगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, कुछ देर में अहम समाअत होने जा रही है, एक बार फिर बताएगा कि इस दरख्वास्त में क्या मौकिफ इख्तियार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कानूनी सवाल उठाए गए थे उसमें ये कहा गया था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था उसकी हुक्म अदूली नहीं की, और इसमें यह कहा गया था कि क्या इन चीजों को जवाज बना के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात इल्तवा का शिकार किए हैं क्या ये आईनी इसको करार दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ये सवालात उठाए गए थे कि जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से जो आईनी तकाजा है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि इंतखाबात कब कराए जाने हैं, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसमें हुक्म आ गया और इसमें फेडरेशन को और इसमें सूबों को निगरान हुकूमत को जो हिदायत की गई थी तो क्या उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म के बावजूद कोई बहाना या कोई जवाब जो है वो पेश किया जा सकता है। और इसमें ये कहा गया, इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है जो कि इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से इसको कालदम करार दिया जाए। तो आज इसकी केस की जब समाअत होगी तो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच बनेगा तो जो बना है इसमें नोटिस जारी किए जाएंगे, इस बात का इम्कान है क्योंकि इनिशियली तो नोटिस जारी किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह माजी की समाअत थी और उसमें उस मामले की हसासियत और वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर अदालत ने
चूंकि ये कहा था कि जो टेलीविजन चैनल पर खबरें चलने और जो अखबार के जरिए अगर इतला मौसूल होती है तो उसको भी नोटिस तसव्वुर किया जाए, तो उस दिन जब पहले दिन जो माजी की प्रोसीडिंग हुई थी तो उसमें पहले दिन की जो प्रोसीडिंग थी वो भी काफी देर चली थी और उसके बाद अगले रोज के लिए जो नोटिसेस जारी किए गए थे वो इनफॉर्मल तरीके से भी जो नोटिसेस थे कहा गया था कि इनको नोटिस कंसीडर किया जाए। तो अब देखना ये होगा कि जो बेंच इसको किस पेस पे लेकर चलता है, चूंकि इसमें जो बेंच की जानिब से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंतखाबात के जल्द इनेकाद के हवाले से ये कहा गया था उस पर चूंकि अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जो जज साहिबान हैं वो इस हुक्म अदूली को चाहे इसमें कोई रीजन थी, इंतजामी मसाइल थे।